डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक के बारे में, चूंकि आज इस स्टॉक के पीछे 3% यानी 3% की तेजी दिखी और तेजी के इंडिविजुअल कारण रहे, तो उस कारण को समझे, आगे के ट्रेंड को समझे। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। इस तेजी के पीछे के कारण को अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी कारण आपने को देखने को मिला है कि जियो फाइनेंशियल जो है ब्लैक रॉक के साथ 50-50% के ज्वाइंट वेंचर करे थे, किसके लिए, म्यूचुअल फंड कंपनी चलाने को लेकर के। यहां देखेंगे तो 50-50% ज्वाइंट वेंचर विद जियो फाइनेंशियल सर्विस मार्क्स ब्लैक रॉक रिटर्न टू द इंडियन मार्केट आफ्टर इट एग्जिटेड 2018। इच पार्टनर प्लान एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट 150 मिलियन डॉलर जो है, लगभग लगभग आप समझिए कि दोनों ही कंपनी 12,000 करोड़ रुपया मिला करके, एक कंपनी और 12,001 करोड़ यानी 24,000 करोड़ मिला करके एक जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के ज्वाइंट वेंचर में म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन को लेकर के फाइल सबमिट करे गए हैं। ये जो ब्लैक रॉक है ऑलरेडी इंडियन बाजार में थी लेकिन 2008 में किन्हीं कारणों से एग्जिट कर ली है। ब्लैक रॉक क्या है भाई, इसको सिंपल देखेंगे कि ब्लैक रॉक एग्जिटली करती क्या है। यहां देखेंगे कि ब्लैक रॉक एग्जैक्टली करती क्या है, तो ये यूएस की कंपनी है, एसेट्स मैनेजमेंट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोवाइडर है किसका, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और इंडिया के अंदर जियो के साथ मिलकर के कोलैब करेगी, और ये कारण रहा था स्टॉक में तेजी होने का। और रिसेंट के जो डिलीवरी रहे हैं जियो फाइनेंशियल में काफी बढ़िया रहा है, टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो बेटर दिख रहा है। आज के कामकाज में 90 लाख के वॉल्यूम में जो बायर है उसके कंपेरेटिवली सेलर तो डबल है, लेकिन ये न्यूज के कारण डिलीवरी भयंकर गई है नियर अराउंड 80%, और ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड भी इस समय स्ट्रांग दिख रहा है। एक बार चार्ट को देखेंगे, चार्ट को देख करके क्या नजर आता है, चार्ट में सिंपली यहां लिस्टिंग हुई थी और चूंकि ये डीमर्जर के थ्रू बाजार में आई है तो सभी लोगों को जो रिलायंस के शेयर होल्डर थे उनको फ्री में मिला, तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई, अगेन डिमांड बना, और ये डिमांड कब बना, जब मोतीलाल ओसवाल के द्वारा बाइंग करा गया, फिर ये यहां पे आया, फिर यहां पे रिलायंस ने खुद 1 लाख के आसपास के शेयर बाइंग करे, और इस समय जो एक ट्रेंड लाइन है यहां देखेंगे एक बड़ा ट्रेंड लाइन इस प्रकार से आपको बनते दिख रहा है, पहले रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, तो मुझे लगता है कि मिनिमम 250 के लेवल को ब्रेकआउट करने दें जो मोमेंटम ट्रेडर या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जहां से 262, 320 और 400 के टारगेट आएंगे। इस समय ट्रेंड वीक नहीं है लेकिन यहां देखेंगे अभी भी जो ट्रेंड दिख रहा है ये एक रेजिस्टेंस तो है ही, लेकिन इस समय जो ट्रेंड दिख रहा है वो हायर हाई हायर लो के चैनल को फॉलो कर रहा है, तो जो मोमेंटम ट्रेडर हैं वो तो 252 के ऊपर ही आएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट वन ईयर तो 218 से लेकर के 235 के बीच में धीरे धीरे एक्युमुलेट करें, और नियर अराउंड 500 प्लस के टारगेट तो आपको वन ईयर में दिख ही सकता है, और नेक्स्ट 3-5 ईयर होल्ड करते हैं तो मुझे लगता है कि 1000 तक के लेवल भी कोई बड़ा लेवल इसके लिए नहीं होगा, लेकिन वही है कि आपने अगर कैपेबिलिटी है नेक्स्ट 3 ईयर होल्ड करने के लिए तभी, और शॉर्ट टर्म में अभी भी ट्रेंड स्ट्रांग नहीं है। हालांकि यहां देखेंगे तो जो चैनल है वो हायर हाई हायर लो का चैनल तो यहां से बना रहा है, यहां से देखेंगे जो चैनल है वो हायर हाई हायर लो का बना रहा है, लेकिन एक ये जो मेजर रेजिस्टेंस है यहां से आप समझिए पूरा ही सप्लाई चला, यहां से थोड़ा सप्लाई जाएगा और 262 के ऊपर जो ट्रेंड बनेगा वो अनस्टॉपेबल ट्रेंड बनेगा, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जो लोग ऑलरेडी बायर हैं अगर एसएल लेना चाहते हैं तो 232 के एसएल को लगा करके मिनिमम पहला 250 और 262 के लिए बने रह सकते हैं।